हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। अगर आपको हमारी व्लॉग अच्छी लगती है तो प्लीज़ को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, मेरी वीडियो को पूरा देखना, ओके? तो फिर जल्दी जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग मेमन फाउंडेशन से आए हैं और ये सारा सामान हम मेमन फाउंडेशन से लेकर आए हैं। ज़रूरत का सामान है हमारे, क्योंकि जो हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ये वो वाला सामान है, सही है? तो सब शुरू करते हैं इससे। ये वुडन के पीस हैं और ये आपका आ गया वार्निश, ये आ गया आपका ड्राई एयर ड्राई क्ले, यह आपके बाइंडिंग टेप, ये आ गया ब्रश, ये आ गया सुतली रोप, ये आ गया आपकी मसनूई घास, ये आ गए आपके क्ले के टूल्स, ये आ गई आपकी ग्रीन सेंट बोतल मैंने वहाँ रखी हुई, दिखाता हूँ अभी बाद में। सबसे मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि ये हम नॉर्मल शॉप पे जाते हैं, केडीए मार्केट वगैरह पे जाते हैं, तो हमें यही चीज़ बहुत 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 ज़्यादा महंगी मिलती है। नहीं। और कुछ चीज़ें तो मिलती नहीं है, मिसाल तौर पर ये रोप वहाँ नहीं मिलती, सही है? फिर क्या मिलती है? ये मैंने ख़रीदा है मेमन फाउंडेशन के सामने वाली जो शॉप है उससे ख़रीदा है, 200 रुपीज़ का। आप देख सकते हो कितना, मतलब 200 रुपीज़ पर नहीं मिलता, ये नॉर्मल शॉप पे 700 रुपीज़ का या 650 रुपीज़ का है, सही है? और ये हमने ली है 50 रुपीज़ की, जो कि नॉर्मल दुकानों पे होती है 150 रुपये की। ये वार्निश लिया है हमने 100 रुपये का, जो कि नॉर्मल दुकानों पर 180-190 रुपीज़ का आपको मिल जाता है ईज़िली, सही है? और ये बाइंडिंग टेप है, ये हमने लिया है 100 रुपये का, जो कि हर दुकान पे है पूरा 200 रुपये का। और फिर ड्राई क्ले की बात करें तो भाई ये एयर ड्राई क्ले जो है ये हमें मिला है 200 रुपये का, और ये नॉर्मल दुकान पे 800 रुपये का है। सो गाइज, ये हमें 50-50 रुपीज़ की ये दो वुड के पीस मिल गए हैं, ये तो मिलते भी नहीं हैं, सही है, अगर हम ढूँढने जाएँ। और फिर बात आती है ब्रश की, ये 100 रुपये का नहीं, ये 70 रुपये का है ब्रश। सो गाइस, अगर आप ये नॉर्मल शॉप से लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा ये सारा सामान। तो ये मुझे चाहिए था क्योंकि आपको पता है मैं DIY प्रोजेक्ट्स करता हूँ और अम्मी भी करती हैं, तो ये है कि आजकल वो चल रहा था, मतलब मसले चल रहे हैं आजकल हमारे कंट्री में, तो हमने बोला यार वीडियो बनानी है, सही है, कहाँ जाएँ कहाँ नहीं जाएँ, सही है? तो इससे अच्छा ये है कि घर में बैठ के DIY प्रोजेक्ट्स बनाएँ, अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएँ। बात तो सही है। सो गाइस, अम्मी ने DIY प्रोजेक्ट्स करे हैं और ये देखिए, ये नॉर्मल बोतल थी, अम्मी ने रख ली थी, सही है? और इसको देखो, ये पेंट किया है अम्मी ने। अब ये है कि अम्मी इसको हमारे जो पार्किंग एरिया जो है उसमें लगाएंगी, जब प्लांटिंग वगैरह करते ना इसमें, मेरे ख्याल से वो लगाएंगी, ये मनी प्लांट वगैरह लगाएंगी। चलो सही, अच्छी बात है। हाँ तो अम्मी दीवार पर ही हैंग होंगे, हम कोई ले कर थोड़ी जाएंगे इसमें पानी, कैसी बातें करती हैं आप, कैसी बातें करती हैं आप। सो गाइस, ये आ गए हमारे मॉल, ये केक बनाने के लिए लेकर आए हैं हम लोग, और ये अभी नहीं है, मैं बहुत पहले लेकर आया था, अपनी पुरानी वाली वीडियो में दिखाना मैं भूल गया था, तो ये भी मैं ले आया, कभी केक बनाने का दिल चाहता अम्मी का, फ्रूट केक, सही है? तो ये उसके लिए लेकर आ गए, फ्रूट केक या चॉकलेट केक। ये आ गई है हमारी वाइन की बोतल, सही है? आप अक्सर आपने मेरी अम्मी को बनाते हुए देखा होगा आपने, कि वो वाइन बोतल पर पेंटिंग वगैरह करती हैं और उसको अच्छा बनाती हैं, डेकोरेशन बना लेती हैं, तो ये उसके लिए लाए हैं अम्मी। इस पर इंशाल्लाह ताला नए डिज़ाइन के साथ वीडियो बनाएंगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अभी हम लोग आ चुके हैं अपनी पार्किंग एरिया में और अम्मी ने जो कल DIY प्रोजेक्ट बनाए थे वो मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पे, और अम्मी सेलेक्ट करेंगी जगह के वो कहाँ लगाना है। अम्मी बताएं, इस दीवार पे सारी सही? अच्छा, दो कीले पहले से लगी हुई हैं, सही है? चलो फिर चेक करते हैं कि कौन सी कहाँ ज़्यादा अच्छी लग रही है। सबसे पहले हमने सुतली बांध लेनी है इनके यहाँ पर, सही है? उसके बाद फिर इनको लगाएंगे। सो गाइस, अब मैं सुतली बांध रहा हूँ इस पे। अभी बांधना कैसे इसको, मतलब गिटार बांध के बस ऐसे? नहीं नहीं, अच्छी दो तीन बल दो ताकि गिरे ना नीचे, पानी भर के उसमें मनी प्लांट लगाएंगे ना। इसमें हम पानी भरेंगे और मनी प्लांट लगाएंगे।
सो गाइस सब में सुतली बन चुकी है सही। अब हम इसको लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला जो है इसको कन्वर्ट करेंगे इधर, सही है। और बड़ी बोतल को हम यहाँ लगाएंगे, सही है। छोटी बोतल को हम एक यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं और एक यहाँ लगा देते हैं। तो ये इस तरीके का कुछ दिखेगा दीवारों पे, सही है। और इसमें अभी मनी प्लांट लगाना बाकी है। तो गाइस अब हमें सारी बोतलों में पानी भरना है। पता हो गया पानी और भर के लाओ। सो गाइस ये एक मनी प्लांट हमने काट के रखी हुई थी जो कि मैं सबसे टॉप वाली बोतल पे रखूंगा अभी, लेकिन इसको नीचे से एक पत्ता, हाँ पत्ता जोड़ो। कौन कौन सी बेल काटेंगी आप? वो काट लेना वो जो आ रही है ऊपर से, ऊपर से। हाँ ये काटें, पत्ते नहीं है ना। अच्छा पत्ते नहीं है इसमें, ये देखो। हाँ ये काट सकती हैं। एक एक मैंने लगाया, एक आप लगाएं, नीचे वाली में लगा लें। यहाँ कील लगा दूंगा ना, हाँ। तो ये इस पे बांध दिएगा, इसमें से काटेंगे आप। सही है, हो गया। इस पे भी कील लगाऊं? हाँ। या पे कील ना लगाऊं? ये झुका हुआ अच्छा लगा है, या फिर ऐसे अच्छा लगेगा ये? हाँ ऐसे अच्छा लगेगा ना, देखो ये भी झुकी 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 नजर तेरी कमाल कर गई। नहीं मैं नहीं मानता। अच्छा लाया, मैं कील लगाऊं। तो भाई हथौड़ी तो नहीं है मेरे पास, अब मैं डंबल की प्लेट से इसको लगाऊंगा। तो भाई इसमें बिट लगा रहा हूं इस पे। ये क्लिप्स मैंने लगा दिए हैं जिससे आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है ये। ये दीवार तो भी बहुत प्यारी लग रही है अब आपकी। सो गाइस आप ये देख सकते हो, ये पूरा हमारा जो एरिया ये ख़राब हो गया है इसकी वजह से, क्योंकि ये टूट रहा है ऊपर से, सही है। तो अभी हम इसको एडजस्ट करके अच्छी तरीके से लगा देते हैं, उसके बाद तोते को भी यहाँ से हटा के हाँ यहाँ लगा देंगे, सही है। हाँ ये सही है, करना पड़ेगा पत्ते लगा देंगे यहाँ पे, हाँ। दो तीन पत्ते चिपका दो अच्छा लगेगा, हाँ। क्या कहती है? हाँ। तो पहले कील लगाते हैं यहाँ पे। अब इसको मैंने करना क्या है, मैंने उसको इसके साथ अटैच कर देना है, सही है। तो गाइस इसी कौन से मैं इसको लगाने वाला हूँ, और देखो A few moments later. So guys, आज की DIY में ये शामिल नहीं था, लेकिन ये फिर भी बन गया। और ये होता है ना कि काम करते 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 आपको सोच आती रहती है, तो अब देखो ये सोच आई और तो हम लोगों ने इसको वहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया। और आने वाले वक्तों में ना छोटी छोटी चुड़िया जो होती है ना वो भी मैं लेकर आऊँगा और उसको यहाँ यहाँ बिठाऊँगा, यहाँ पर बिठा दी, यहाँ पर बिठा दिया, तो वो भी ये भी बहुत अच्छा लगने लगेगा इंशाल्लाह। ये बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहा है अम्मी ये तो यहाँ पर, बात तो सही है। सो गाइस अम्मी यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट बना रही है, ये मुझे नहीं पता था ये अम्मी प्रोजेक्ट बना रही हैं, क्योंकि मैं अपनी पुरानी वाली वीडियो को एडिट करने में लगा हुआ था, और क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कहीं वीडियो ख़राब हुई है, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई वीडियो ख़राब नहीं हुई, तो वो चेक कर रहा था और उसी दौरान मैं एडिट भी करने लगा। तो इसी दौरान अम्मी ने एक चीज़ बनाई है बड़ी खूबसूरत सी, ये देखें ये एक
बर्ड हाउस है। मम्मी ने इसमें अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करी है और कितनी खूबसूरत लग रहा है इसमें। मम्मी ने ये शीशे लगाए हैं और पॉम पॉम लगाए हैं और अभी कलर करना बाकी है, नीचे से कलर करेंगी। ऊपर अभी ये क्या लगा रही है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब झाड़ू काट रही है, ये पुरानी झाड़ू है हमारी घर की, बहुत पुरानी झाड़ू है। तो अम्मी ने बोला देखो मैं इसके क्या बनाती हूँ, तो देखते हैं अम्मी क्या बनाना चाह रही हैं। ये इतना तैयार हो चुका है और मेरा मोबाइल बहुत गर्म हो रहा है, बार बार वीडियो बंद हो रही है। हाँ कलर कर लें और पॉम पॉम लगाएं सबसे पहले इधर। किससे लगाएंगे ये? अच्छा इससे चिपक जाएगा। अब बताएं कैसे सीढ़ी बनानी है? दोनों बराबर साइडों के बराबर करो, दोनों मैंने काट के रखे हैं बराबर। ये है बराबर, नाप लो तो हाथ में जो है वो देखो। एक दो तीन ऐसे काटना है। अच्छा सबसे पहले हमने ये काटना है, सही है? एक साइज के काटना, एक साइज के ना। बहुत प्यारी लग रही है, छोटी सी जबरदस्त लग रही है। सो गाइस देखिए यहाँ पे शीशे लग गए हैं, यहाँ पे शीशे लग गए हैं, ऊपर पॉम पॉम लग गए हैं और ये फ्रंट है, यहाँ पे शीशे लगे हैं, यहाँ पे पॉम पॉम लगे हुए हैं, सही है। और नीचे सीढ़ी लग गई है जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। अब ये है कि हम इसको बाहर जल के लगाएंगे। सो गाइस मेरे आने से पहले ही अम्मी ने सारे काम मुकम्मल कर लिए थे, इस पर बर्ड भी चिपका दी थी और इस पर जूट रोप भी लगा दी थी। तो गाइस आप धूप में देखोगे कैसे चमक रहा है और इसकी जो ये चीज़ें शीशे से रिफ्लेक्ट हो रही हैं लाइटें, बहुत क्यूट लग रही हैं। तो अब ये है कि हमने इसकी रस्सी छोटी कर दी है, हम इसको यहाँ नहीं लगा रहे क्योंकि यहाँ पे हमने लगाया था तो ये टूट गया यहाँ से, सही है? तो ये बहुत ज़्यादा भारी हो गया था। तो अब ये है कि हम इसकी मैंने रस्सी छोटी कर दी है, इसको हम कहीं और लगाएंगे। लेकिन कितना खूबसूरत लग रहा है देखो। अब हम इसको लगाएंगे यहाँ पे सामने की तरफ। तो गाइस आप बताएं आप लोगों को ये कैसा लग रहा है? यहाँ नीचे सीढ़ी है, ऊपर बर्ड बैठी हुई है, साइड में शीशे हैं। अब ये है कि जब धूप सामने से पड़ेगी ना तो ये चमकेगा, सही? अभी तो शाम का वक्त हो गया तो धूप इसलिए यहाँ तक आ रही है, सही है? वरना ये धूप पूरी यहाँ तक आती इस दीवार तक, तो ये चमकेगा उसमें, बड़ा मज़ा आएगा देखने में। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये, और आप कमेंट करके बताइएगा कि अम्मी का आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा और हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। सो गाइस अगर आप लोग को आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ यार इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, सही है? अल्लाह हाफिज़।